अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और बीसीसीआई पे मुझे तरस आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट पे तरस आ रहा है। बड़े शेर बन रहे थे कि हम पहली बार जो है अकेले वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होस्टिंग कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रही है। आज तो इनके मीडिया ने भी इतराफ कर लिया, आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे कि इनके पास सिक्योरिटी देने के लिए एक वो प्रॉपर लॉर्ड ही नहीं है पुलिस की। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो 12 नवंबर को जो मैच होने वाला है उस पर बात हो रही है कि अब वो भी मैच उनको सिक्योरिटी है, उनका इवेंट आ रहा है रिलीजियस, तो उसके हवाले से वो मैच जो है वो चेंज किया जाएगा उसकी डेट। ये पाकिस्तान के सारे मैचेस अगर इस तरह चेंज होने से तो पहले ये अनाउंस क्या किया, पहले चले इतना बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक दिन तो खेल लिया, उसकी वजह से जो 3 मैच डिस्टर्ब हुए पाकिस्तान के, तो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है वैसे ही आपने डिस्टर्ब कर देना है। तो ये कौन सा होस्टिंग है आप कर रहे हैं, वाकई ये अजीब सी होस्टिंग है। ये पहला वर्ल्ड कप है जिसका एक तो शेड्यूल आया 2 माह पहले वर्ल्ड कप से, पहले 2-2.5 महीने पहले शेड्यूल आया, नहीं तो शेड्यूल जो आते थे वो 6-6 माह पहले आए थे, और जब शेड्यूल आ भी रहे तो सो रहे थे, ये क्या करके रहे थे, ये इनकी इतनी है। एक तो हर साल ये आईपीएल कराते हैं, सो कॉल्ड आईपीएल कराते हैं, ये एक्सपर्ट बनते हैं कि हम सबसे बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करते हैं पूरी दुनिया का, तो ये आपके एबिलिटी है, ये आपकी काबिलियत है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके इवेंट्स कब हैं, कब मैच रखा है, और जहां जहां पाकिस्तान का मैच है इतनी नफरत पाकिस्तान से कि आपको वहां पर अभी पता नहीं क्या चक्कर है। मैं तो मुझे अब शक होने लग गया, अब मुझे इनकी नीयत पर, इंडिया वालों की नीयत पर शक होने लग गया कि ये शायद पाकिस्तान के साथ ऐसे करना चाह रहे हैं कि एक और मैच पाकिस्तान का चेंज होगा तो पाकिस्तान का लाजमी बात है इस बार भी 2 मैच ही चेंज हो गए, एक के साथ दूसरा भी चेंज होता है, तो 4-4 मैच एक ही टीम के आप चेंज कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। प्रिपरेशन के लिए टाइम भी देना है, और उसके अलावा जो मेंटल जो है उसको सेटिंग करनी होती है पूरी टीम को जाके, आपको शेड्यूल एक कम से कम दे देना चाहिए। और ये नया कोई रिलीजियस उनका इवेंट निकला है जिसकी वजह से अब वो डिमांड करें कि ये मैच भी जो है ना वो शेड्यूल चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने शेड्यूल एक दे दिया, हमें तो मसला कोई नहीं था पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के मैच से शेड्यूल से, अब वहां की जो गवर्नमेंट है, जो हर स्टेट की तो अपनी गवर्नमेंट है, वो हर बंदा इसको भी सिक्योरिटी में इशू आ रहा है कि इसको सिक्योरिटी देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कल को कहेंगे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में मसला है, वहां पर भी कोई इवेंट निकला है, क्योंकि वहां पर अच्छी बात है आपके इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको भी तैयारी करनी चाहिए थी। आपने साबित कर दिया कि आप एक ना अहल जो है वो बोर्ड है, और इतना बड़ा इवेंट आपसे संभाला नहीं गया। आपको याद है एक बार इनके पास ना पहले कॉमनवेल्थ गेम्स इनकी ना हुई थी यहाँ पर इंडिया में, वहां पर भी एथलीट्स को प्रॉपर फैसिलिटी मिली थी। अभी तो जब पाकिस्तान ने वहां जाना है तो इनके साथ उन्होंने क्या करना है, मुझे तो वो देख के खौफ आ रहा है कि ये क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। एक ना अहल ये एक बीसीसीआई बोर्ड है, सीरियसली आपको अच्छा लगे बुरा लगे हरकतें आपकी वही है ना अहली वाली, आपने दिखा दिया कि आप क्या करना चाहते हैं। आज इनका मीडिया में जिक्र हो रहा था स्पोर्ट्स, एक मीडिया का स्पोर्ट्स चैनल है वो जिक्र कर रहा था कि जहाँ एक जगह हम देंगे ना सिक्योरिटी अगर इनकी, तो हमारे पास इतनी वो प्रॉपर उनके पास तादाद ही नहीं है कि वो मैच के लिए सिक्योरिटी दे सके, तो क्या कर रहे हैं ये। जब हमने बात की थी ना इमरान, आपको याद होगा कि जी हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल से हम थोड़ा सा पीछे हो रहे थे, बैक कर रहे थे जब जकाफ अशरफ आए थे, तो इन्हीं के मीडिया ने इतना मजाक उड़ाया था कि एक जुबान जब दी हो, एक बड़ा जो आपका अहदेदार जुबान देते तो फिर आप उसे कैसे फिर सकते हैं, ये तो कोई मुल्क ही ना हुआ, ये कोई बोर्ड ही ना हुआ। तो अब जब आपने एक शेड्यूल जारी कर दिया, शेड्यूल जारी करने के बाद आप कह रहे हैं हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप इसको चेंज करें और ज्यादातर पाकिस्तान के मैच चेंज करें, और एक मैच चेंज नहीं होगा इससे सारे के सारे मैच डिस्टर्ब होंगे। चलिए अगर कम से कम 2 मैच तो पाकिस्तान के डिस्टर्ब होंगे, पहले 3 हो गए, पहले 2 हो गए, अब पहला नहीं हुआ, पहले 3 हो गए, पहला नहीं हुआ, चले तो पहले 2 ये हो गए, अब 2 अगले हो गए, तो 4 पाकिस्तान के मैच आपने डिस्टर्ब कर दिए, और इसके अलावा और भी अपनी टीमों के मैच डिस्टर्ब होंगे, और ये लीग का आखिरी मैच था, यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो लीग का आखिरी मैच है ये, इससे इसके बाद तो सेमीफाइनल है, आगे आप जा नहीं सकते हैं, आपको बैकवर्ड ही आना पड़ना है, तो दूसरे मैच भी अफेक्ट होंगे। समझ नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच वो आप स्वाइप करना चाह रहे हैं, कलकत्ता से भी शायद हटाना चाह रहे हैं, कोई अगर सिक्योरिटी अभी, अभी, अभी तो यहाँ पर लीग यार, अगर मेरी बात सुनना, अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो कितना अच्छा होता था, पाकिस्तान के अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में आप करवाए थे, हम अपनी टीम को सिक्योरिटी दे देते और दूसरी टीम को भी वेलकम करते जैसे हम वेलकम करते हैं पिछले 5-6 साल से वेलकम कर ही रहे हैं, हमें वेलकम करना आता है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो सिक्योरिटी है उसकी तारीफ दुनिया में जाके होती है, ऐसी सिक्योरिटी वो जो प्लेयर होते हैं वो देख के पागल हो जाते हैं कि यार दुनिया में ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिलती जितनी सिक्योरिटी हमें पाकिस्तान में मिलती है, तो कुछ पाकिस्तान से सीख लें कि कैसे सिक्योरिटी देनी है। पैसों की लालच में फैसल भाई इंडिया को होस्टिंग तो दे दी है, लेकिन अंदर में जो इंडिया के जो अलहदा आईसीसी के लोग है ना वो ये सोच रहे होंगे यार कि हम कहां फंस गए हैं, हमने किन हाथों में क्रिकेट की पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की भागदौड़ दे दी है पैसों की लालच में, जिनको एक तो सारे इवेंट इन्होंने इंडिया में घुसाए हुए अगले जो 5-10 सालों में जो इवेंट होने हैं ना, अब 3 इवेंट और मजीद आ रहे हैं,
तो ये इनको हमने इवेंट दे दिया और ये इनको बस ना अहल है, ये सिर्फ आईपीएल कराएं हमारी ये आईसीसी इवेंट से जान छुड़वाएं इंडिया से। इनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो बॉडी लग नहीं रहा, वो गवर्नमेंट के नीचे ही ना, हर एक स्टेट की ना वो एक और हर स्टेट की अपनी चल रही है, हर स्टेट की अपनी चल रही है, हर स्टेट का अपना मामला है, हर स्टेट के अपने इवेंट्स हैं, तो उनको मैनेज करके आपने मसला ये है ना। वैसे भी आगे नवंबर में इनके वो आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, हर स्टेट चाह रही है कि हम अपनी आवाम को खुश रखें, आवाम को फैसिलिटेट करें, वर्ल्ड कप जाता है बाहर में जाए। अब मोदी पता नहीं खुद क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही ना कुछ, वो इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हुआ क्या। नहीं अब ये जो आपने जो चेंज करना है, तो क्या पाकिस्तान का मैच चेंज करेंगे, उसके अलावा दूसरे मैच जितने इफेक्ट होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने एक शेड्यूल जारी क्यों किया था? अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले कहाँ थी आपकी सारी, जो आपने शेड्यूल जारी कर दिया जब सब कुछ मीडिया पे आउट हो गया, उसके बाद आप सो के उठे। सही आपने बात की कि आप सो के उठ गए हो यार ये तो चेंज करो ये चेंज करो, और मसला आ रहा है पाकिस्तान के मैचों के साथ, तो ये तो बायस्ड है ना। ये शुरू बहाना ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम को एडिशनल सिक्योरिटी दी होती है, तो भाई कितनी एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए होगी? इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का एक मैच है, कलकत्ता में मैच हो रहा है, इतना वो ग्राउंड सराउंडिंग में वहां पर इतनी, वहां पर इतनी भीड़ भी नहीं है, वो शहर के अंदर स्टेडियम भी नहीं है, शहर से हटके स्टेडियम है, फिर भी आपसे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, तो फेलियर आपके अंदर है, आप बस मानना नहीं चाहते। ये जो डिसीजन हुए थे, मेरा ख्याल है ये इन्होंने खुद ब खुद सारे डिसीजन कर लिए थे, इसमें मेरा ख्याल है उन्होंने कोई कंसर्न ही नहीं किया था अपने जो स्टेट्स हैं, कलकत्ता की स्टेट, उसके शायद डिसीजन लिया ही नहीं होगा, उनसे मिलकर बातचीत की नहीं होगी, जो बाद में उनको याद आ रहा है यार आप चेंज इसको करो। अब देखते हैं क्या होता है, अब इस पे तो अभी न्यू खबर है, इस पे और डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी आप शेयर करेंगे। पिछली बार भी ये न्यूज आई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि संडे की जगह सैटरडे को मैच हो जाएगा, लेकिन अब ये जो न्यूज आ गई ना, क्योंकि ये जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, ये बहुत ही कह लो अपनी उसकी पावर है ही नहीं, जब स्टेट कुछ कह देगी ना तो इन्होंने कुछ नहीं मानी, अब ये भी चेंज करवा के छोड़ेंगे। चले देखते हैं क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब, ये डमी है सिर्फ एक गवर्नमेंट की बीसीसीआई, इनकी अपनी कोई वर्थ ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।